नमस्कार, मैं तनु बोर्ड, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां टिहरी बगिया में 100 फुटा रोड तिराहे पर सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने पाकिस्तान में आतंकवाद का पुतला दहन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पुतला दहन करने के बाद शहर में कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के विभाग के शहर अध्यक्ष अकील अब्बास और BSP के नेता शमशेर अब्बास ने संयुक्त बयान में कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द पाकिस्तान पर अटैक करके हमारे 44 शहीद जवानों का बदला लेना चाहिए। पूरे देश में इस बात को लेकर भारी आक्रोश बना हुआ है। लोगों ने पाकिस्तान के PM इमरान खान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और लोगों ने पुतलों को जूतों से पीटा। प्रदर्शन में मुख्य रूप से राजुद्दीन भाई, बच्चा भाई, फारूक अब्बास, मोनू आरके, सलामुद्दीन भाई, असलाम इस्लाम भाई, बबलू सिंह, रणवीर सिंह बघेल, राबी बघेल साहब और शमशाद साहिल, फौजी साहब आदि लोग उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। को लेकर मुस्लिम समाज के अंदर बहुत आक्रोश है। हम लोगों का खून खौल रहा है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान से इस बात के लिए बदला लिया जाए कि उसने हमारे बेगुनाह 44 फौजियों को शहीद कर दिया है। इस बात को लेकर टेढ़ी बगिया क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति के अंदर आक्रोश है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज हम केंद्र की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए और हमारे फौजी साथियों को जो शहीद किया गया है उनका बदला लिया जाए। इस बात को लेकर आज हमने टेढ़ी बगिया के अंदर सब समाज के लोगों ने मिलकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर आज पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। पाकिस्तान के पुतले में आग लगाई है हमने, और हमारा अगर बस चले तो हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अंदर आग लगा दें। हम लोगों के अंदर साथियों, मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ। भले ही मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदी से खपा हो, लेकिन इस मुद्दे पर हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी, हम आपका कोई विरोध नहीं करेंगे। आप पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। ठीक है भैया, साथियों ठीक है।